subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोज पे। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आपने देखा रहेगा, स्टॉक जो है 56-57 तक पहुंचा, उसके बाद जो है स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट जो हम लोगों को देखते हुए यहाँ पे मिला है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक को लेके बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। स्टॉक का टारगेट प्राइस बताया गया 60-65 तक भी जाएगा, और स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले भी जब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप देखते हैं तो लगभग जो स्टॉक का प्राइस 56-57 या फिर उसके ऊपर भी पहुंचा था बीच में, और उसके बाद जो है स्टॉक में अभी एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है स्टॉक को लेके देखने को मिला है, और जैसा अभी लग रहा है स्टॉक में, देखिए जिसके पास भी IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है, या फिर अगर कोई लेना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है इस स्टॉक को लेके या फिर IDFC फर्स्ट बैंक को लेके हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोग हमेशा देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंजल ब्रोकिंग या फिर आप स्टॉक से, जो कि आपको दोनों में ही बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। आप स्टॉक्स का भी जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, कमीशन बहुत ही कम है। या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एक्सेस म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया आपको जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है एक्सेस म्यूचुअल फंड में, तो उसका भी जो है लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसका लिंक जो है हम लोगों ने दिया है, आप देखिए। कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर क्या अपडेट है। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का देखते हैं इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जो है स्टॉक में, मतलब यहाँ पे एक साल से जो है स्टॉक का प्राइस 60 प्लस हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 67-68 तक पहुँच गया था, उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख सकते हैं 40 के आसपास भी स्टॉक पहुँच गया था, और एक महीने से वही देखते हैं हम लोग ये शेयर में जो है, एक महीने के अंदर देख सकते हैं 45, उसके बाद स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला था, 52 के पास पहुँचा या फिर थोड़ा इसके ऊपर गया, और उसके बाद जो है स्टॉक में फिर से गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिखा है। वही देखते हैं कि एक हफ्ते से जो है यहाँ पे ये शेयर में क्या चल रहा है दोस्तों। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे तो स्टॉक के प्राइस में जो है बहुत ज्यादा गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिखेगा, 44 के पास स्टॉक पहुंचा, उसके बाद एक बाउंस बैक दिया है शेयर ने। एक हफ्ते का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी जो गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी कुछ भी जो है अपडेट देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे जो आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस जो बताया जा रहा है कि 60 भी हिट हो सकता है, ये शेयर का प्राइस 60 भी जो हिट हो सकता है, यहाँ पे क्या अपडेट है वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, या फिर 60 प्राइस 60 रुपीज तक जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है आपको IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में, वो टारगेट प्राइस देखने के लिए कितना समय लग सकता है, कितना दिन आपको ये शेयर में होल्ड करना चाहिए, वो सब भी इंफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। एक मिड कैप कंपनी है, अगर आप देखते हैं इसका मार्केट कैप जो है लगभग 21,640 करोड़ के आसपास एक मार्केट कैप है, स्टॉक में देखेंगे तो 170 में जो ये रैंक करता है। और यहाँ पे अगर देखते दोस्तों, तो ये स्टॉक जो है रिटर्न अगर देखते हैं तो कंपनी का जो है रिटर्न उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा डिविडेंड देखते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक में जो है डिविडेंड भी आपको कुछ इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है कुछ दिन से जो है मार्केट में देखेंगे तो FIS ने जो है बहुत सारे स्टेक बेचा है, तो IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप देखते हैं यहाँ पे FIS ने भी जो है बहुत ज़्यादा स्टेक बेचा है, और वही अगर देखेंगे प्रोमोटर जो है लगभग 6 महीने के अंदर कुछ अपना स्टेक भी कम किया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उन लोगों का क्या मानना है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 36% जो है कह रहा है सिर्फ यहाँ पे बाई करके चलिए कि IDFC फर्स्ट बैंक में जो है बाई करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मई मंथ में देखने को मिल रहा है 39.98% का स्टेक था, और सितंबर में देखेंगे तो 36.52% का स्टेक है, तो प्रोमोटर्स ने जो है अपना होल्डिंग कम किया है। वही अगर हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड में क्या चला, म्यूचुअल फंड ने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है बीच में कुछ ही महीने के अंदर, लगभग अभी जो स्टेक है म्यूचुअल फंड का 3.19% का स्टेक है उन लोगों ने बढ़ाया है। अभी अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जो है यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर लेकर देखते हैं तो यहाँ पे जो उन लोगों ने अपना स्टेक कम किया है, तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 16.68% से जो है घट के अभी जो है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो स्टेक है वो 6.19% हो चुका है। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखेंगे दोस्तों
तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे तो मार्च या फिर अप्रैल से भी देखते हैं, तो अप्रैल में देखते हैं आप दो यहाँ पे जो स्टेक है 10.33% था, उसके बाद इन लोगों ने स्टेक बढ़ाया है जून क्वार्टर में, जो डेटा है जून क्वार्टर के डेटा में जो दिखाया गया कि 15.09% स्टेक उन लोगों के पास था, और अभी सितंबर 21 में जो इन लोगों ने स्टेक कम कर दिया है जो कि 14.76% हो चुका है। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है उन लोगों ने स्टेक कम कर दिया है। वही अगर देखेंगे तो रिटेल जो है रिटेल अदर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर जो हम लोग को पता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, जैसे कि बीच में जो है मार्केट में जो गिरावट देखने को मिला था, एफआईएस ने स्टेक बेच रहा था और रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट का संभालने का काम कर रहा था, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक बढ़ाया उन लोगों ने 36.43% था और जून 21 क्वार्टर में, और वही जो है अभी 38.53% हो चुका है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर से एक अच्छा खासा खरीदारी हम लोग को देखने को IDFC फर्स्ट बैंक में मिला। दोस्तों यहाँ पे जो है आ गए हम लोग NSE के वेबसाइट पे, जो NSE का डेटा है वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स का आप एक दिन पहले का देख पा रहे हैं जो कि है 1,72,61,052 एंड फेस वैल्यू जो शेयर का देखने को मिल रहा है वो है 10.00 का। 52 का हाई प्राइस दिया है 69.30 पैसे का, 52 का लो प्राइस दिया है 34.40 पैसे का। बाई क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन आप देख सकते हैं कि डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल जो है वो है सिर्फ 29,97,926 फॉर डिलीवरेबल क्वांटिटी, टू ट्रेडेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज 17.37% के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए अभी ऐसा एक अपडेट देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो है एक बोल सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 60 के आसपास जाएगा स्टॉक का प्राइस। अभी कितना चल रहा है दोस्तों, 46 या 47 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस बताया जा रहा है कि 60 रुपीज तक ये टारगेट प्राइस हिट होगा। तो अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का या फिर आपके पास है तो जरूर वो इन्फॉर्मेशन भी आप देखिए, यहाँ पे हम लोग वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि IDFC का जो है टारगेट प्राइस दिया गया है 60 रुपीज ICICI डायरेक्ट से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक को आप खरीदेंगे तो इसका जो टारगेट प्राइस है 60 रुपीज का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बारे में जो है अपडेट दिया है IDFC बैंक को लेकर जो है टारगेट प्राइस दिया गया है। तो यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है 60 रुपीज का, यहाँ पे देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट हैज बाई कॉल ऑन IDFC फर्स्ट बैंक विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹60। द करंट मार्केट प्राइस हम लोगों ने देखा है 46 या 47 के आसपास है। टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन IDFC फर्स्ट लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस जो 60 रुपीज का दिया गया है। तो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट से जो टारगेट प्राइस दिया गया है 60 रुपीज का, आप यहाँ पे देख सकते जो टारगेट प्राइस है वो इन लोगों का मानना है कि हो सकता है कि एक साल लगे, एक साल के अंदर जो है ये टारगेट प्राइस हिट करे। स्टॉक का प्राइस अभी 47 रुपीज चल रहा है। तो यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है 60 रुपीज का, हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ही कुछ ज़्यादा टारगेट प्राइस है एक साल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक का प्राइस जो है 60 प्लस भी हिट हुआ था, उसके बाद जो है स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे एक बार बाउंस बैक आता है तो बहुत ही जल्दी जो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा आपको रिटर्न देखने को मिल जाए 46-47 से जो हो सकता है 50 भी ये प्लस हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि शेयर में जो है क्या चल रहा है, शेयर में खरीदारी क्या चल रहा है, शेयर में जो है डिलीवरी क्या हो रही है स्टॉक का, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले का देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे NSE का ट्रेडेड वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, ड्रॉप इन डिलीवरी जो है कम हुआ है, यहाँ पे आपको NSE का डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और वही अगर देखेंगे प्राइस जो है 1.7% के आसपास जो घटके देखने को मिल रहा है, डिलीवरी आप देख सकते हैं 17.4% का जो है सिर्फ डिलीवरी है। वही अगर देखेंगे ये स्टॉक का जो है एक दिन और एक दिन पहले का मतलब 23 दिसंबर का, और यहाँ पे 24 को हम लोगों ने देखा है कि जो है स्टॉक के प्राइस में गिरावट बनता हुआ दिखा है, स्टॉक के जो वॉल्यूम का या फिर जो डिलीवरी है उसमें भी जो गिरावट बनता हुआ दिखा है 23 दिसंबर का। अगर आप देखते हैं दोस्तों तो NSE का ट्रेडेड वॉल्यूम आप यहाँ पे देखते फॉलिंग डिलीवरी, तो यहाँ पे भी जो है 23 दिसंबर को जो है डिलीवरी थोड़ा स्टॉक में कम हुआ है 0.7% के आसपास जो स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा है, 22.40% के आसपास जो स्टॉक में डिलीवरी हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखते दो दिन का जो इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से अगर आप देखते 22.4% से घट के 17.4% हो चुका है। तो फिलहाल हमारा जो ओवरव्यू है शेयर को लेके, अगर किसी के पास IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा समय और जो है यहाँ पे होल्ड कीजिए, और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है तो आप एक बार खरीदने का सोच सकते हैं। और अगर किसी के पास यहाँ पे शेयर है तो ज़रूर एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए जो हमारा ओवरव्यू यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अभी ये शेयर को लेके। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि IDFC फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है, फर्स्ट बैंक के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।